माँ नर्स थी और पिता वॉचमैन, लेकिन बेटी को टीम इंडिया के लिए खेलना था। ऐसे में बस एक ही रास्ता बचा था और वो रास्ता था संघर्ष का, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए और कुछ बचा ही नहीं था। एक छोटे से घर से निकलकर टीम इंडिया में स्थान बना लेने की रविंद्र जडेजा की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक बहुत ही शानदार और हरफनमौला क्रिकेटर रविंद्र जडेजा में अभी काफी क्रिकेट बाकी है, लेकिन खेल और एक खिलाड़ी के तौर पर जडेजा ने खुद को जिस तरह से तैयार किया है उसे सिर्फ ऐसे समझिए, जडेजा सीखने के दौर में सबसे पहले आते थे लेकिन जाते थे सबसे बाद में। घंटों तक बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के लिए मैदान पर लड़ते रहने का ही नतीजा है कि जडेजा एक शानदार क्रिकेटर बनकर उभरे। उनके रगों में क्रिकेट है। वो इस तरह इस खेल के दीवाने थे कि नींद में भी क्रिकेट की ही बात करते रहते थे। 6 दिसंबर 1988 को सौराष्ट्र में जडेजा पैदा हुए। उनके पिता पहले सेना में थे, लेकिन चोट लगी तो नौकरी छोड़नी पड़ गई। इसके बाद जडेजा के पिता ने वॉचमैन का काम शुरू कर दिया। वक्त ने सितम तो ऐसे ऐसे किए कि जडेजा को सिर्फ 10 रुपए में भी अपना गुजारा करना पड़ा, लेकिन सुनहरे भविष्य के लिए दर्द और दिक्कतों को झेलना ही पड़ता है। जडेजा ने इसे बहुत दिनों तक झेला है। रविंद्र जडेजा ने साल 2005 में अंडर 19 टीम में स्थान बनाकर क्रिकेट करियर की शुरुआत की। वो तब सिर्फ 16 साल के थे। इसके ठीक साल भर बाद साल 2006 में उन्हें अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया। भारत की टीम उप विजेता बनी। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जडेजा को 2 विकेट मिले। आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे टूर्नामेंट में बैट और बॉल दोनों से ही जडेजा लगातार कमाल कर रहे थे। उन्हें कुल 10 विकेट मिले। यह भविष्य के क्रिकेट के एक पोस्टर बॉय के उभरने की झलक भर थी। 2008 में जडेजा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के समय टीम के उपकप्तान थे। उन्हें 2009 में सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिला। श्रीलंका दौरे पर उन्हें यह मौका मिला। जडेजा ने खुद को सही साबित किया। पहले ही मैच में नाबाद 60 रन बनाए। यह मौका उनके भविष्य का रास्ता तैयार करने के लिए काफी था। साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में जडेजा ने कमाल का क्रिकेट खेला। यह समय ही ऐसा निकला कि जडेजा एक अलग पहचान बनाने लगे। टूर्नामेंट में बेहतर क्रिकेट के लिए उन्हें गोल्डन बॉल दिया गया। इसके बाद जडेजा का सितारा चमका। क्रिकेट के पुराने धुरंधरों को भी उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। 2013 आते आते सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज रविंद्र जडेजा को युवा क्रिकेटरों के लिए रोल मॉडल बताने लगे। जडेजा ने उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल का खेल दिखाया। भारत 4-0 से जीत गई। मीडिया ने उस वक्त जडेजा को प्लेयर ऑफ द वीक भी घोषित कर दिया था। टेस्ट क्रिकेट में जडेजा को सबसे पहले साल 2012 में मौका मिला। इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर थी। नागपुर में मैच था और पहली बार टेस्ट मैच खेलने के लिए जडेजा मैदान पर उतरे थे। इसी साल जडेजा को आईपीएल में भी चुना गया। प्लेयर ऑक्शन में जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स ने $2 मिलियन में खरीदा। इसके बाद टीम चेन्नई पर बैन लगा तो वो गुजरात की टीम के फेवरेट बन गए। 9.5 करोड़ में जडेजा को टीम में खेलने का मौका मिला था। क्रिकेट के मैदान से लेकर मैदान के बाहर तक जडेजा ने खुद को खूब निखारा है। हर एक मैच से कुछ सीखने की कला ने जडेजा को बड़ा बनाया है। उनके फैंस उन्हें सर बोलते हैं। यही नहीं, बेहतर प्रदर्शन को लेकर भी लोगों ने उनके ऊपर खूब लिखना शुरू किया। जडेजा को लोग सर रजनीकांत भी कहने लगे। विश्व कप 2019 में जडेजा को ज्यादा मौका नहीं मिला। हालांकि इससे पहले 2015 के विश्व कप में जडेजा को 8 मैचों में खेलने का मौका मिला था। वो एक अनुभवी क्रिकेटर है। मैदान पर उनकी मौजूदगी ही टीम में जोश भरती रहती है। हमेशा उनकी एनर्जी देखने लायक होती है। कुछ वक्त तक संजय मांजरेकर के साथ ट्विटर पर हुई लड़ाई को लेकर भी जडेजा काफी चर्चाओं में बने रहे। बाद में टीम मैनेजमेंट ने बीच बचाव किया तो समस्याएं काफी हद तक सुलझ गई। अब रविंद्र जडेजा 1 से 2 हो गए हैं। 2017 के अप्रैल महीने में उन्होंने रिवाबा सोलंकी से शादी की। जडेजा की पत्नी को राजनीति से काफी लगाव है। मैदान पर खेलते वक्त काफी शांत दिखने वाले जडेजा ने अपने ऊपर बन रहे जोक्स को कभी हावी नहीं होने दिया। कई दफे मैदान पर उनके साथी खिलाड़ी भी उन्हें कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जिसे वो हमेशा सुनते हैं और मुस्कुराकर टाल देते हैं। यही उनकी ताकत
और धैर्य दोनों है, जो खेल में भी बार बार दिखता है। तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी जडेजा का संयम ही उनकी सफलता का असली राज है।